नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के दौरान एक दरोगा की बहू ने ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। दरअसल पूरा मामला पटना के राजीव नगर से है, जहां पर 40 वर्षीय युवती ने अपने देवर प्रमोद 36 वर्ष पर ही गलत वारदात को अंजाम देने के आरोप लगा दिए हैं। बताया जा रहा है कि आए दिन ही घटना को अंजाम देते हैं और इस दौरान पाइप डालने की भी कोशिश की गई है। युवती ने इसको लेकर पुलिस में लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने देवर को गिरफ्तार भी किया, लेकिन एक घंटे बाद फिर से छोड़ दिया गया है। युवती ने बताया कि उसका ससुर है जो रिटायर्ड दरोगा है और उसका कहना है कि शिकायत के बाद देवर खत्म करने के लिए धमकाने लगा था। उसका कहना है कि किसी को कुछ नहीं पता चल पाएगा और थाने में ही उसने पैसे दे रखे हैं और तुम्हारी कोई भी नहीं सुनेगा। इधर पुलिस वालों का कहना है कि युवती मामले में चढ़ा बढ़ाकर बात कर रही है और बिना जांच के राजीव नगर थाना अध्यक्ष रमन कुमार इस नतीजे पर पहुंच गए कि मामला पारिवारिक है। पूरा विवाद ससुर की पेंशन को लेकर है और बताया जा रहा है कि आए दिन बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इसी दौरान युवती का कहना है कि वह झारखंड से है और 2009 में उसकी शादी हुई थी, जिसके दो बेटियां भी हैं और उसका पति अक्सर बीमारी चलते हैं, लेकिन ऐसे में सास ससुर हैं जो बक्सर में और प्रमोद जो उसका देवर है वो भी बक्सर में रह रहा था, लेकिन 2022 में राजीव नगर आ गए थे और इसी दौरान गलत नजर लगने लगे थे और बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने की कोशिश भी करने लगे हैं और पाइप डालने की भी कोशिश की गई है, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले से इनकार कर दिया है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।